अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ रेड की जानिब से लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके पास आया हूं। आज की इस वीडियो में आपके साथ लाहौर के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जी हां लाहौर के टोटल 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से आपके साथ बात करने जा रहा हूं। जिन जिन कॉलेजेस की जानिब से अपने फीस स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर दिए गए हैं वो सामने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि सबसे एक्सपेंसिव कॉलेज कौन सा है, लाहौर में अभी आपके लिए सबसे सस्ता कॉलेज कौन सा अवेलेबल है, उसके साथ साथ मेरिट के हवाले से भी बात कर लेंगे कि आप लाहौर में किस तरह अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। बट मेन फोकस जो है वो आज इस वीडियो में हमारा जो है वो आपके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से होगा। इस वीडियो में मेरिट के हवाले से मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। डोनेशन वगैरह के हवाले से वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं वो सब कुछ आपको बताता हूँ। वीडियो डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। उसके साथ साथ तमाम स्टूडेंट वीडियो को लाजमी लाइक करें, आपके लिए एक डिटेल वीडियो है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सामने स्क्रीन पर मिलेगी। में अगर आप अब्रॉड पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सामने स्क्रीन पर भी आपको एक नंबर शो होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी तो आप इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अब्रॉड और प्राइवेट एडमिशन के हवाले से आपको यहाँ पर कंप्लीटली असिस्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले एडमिशन के हवाले से बात करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि लाहौर में टोटल आपके कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। हम पीएमडीसी की वेबसाइट पर देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाहौर में आपके 17 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। टोटल हम 18 कह सकते हैं क्योंकि राशिद लतीफ के जो है वो दो कैंपस हैं। पहले ऑलरेडी राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज था, अब जो है राशिद लतीफ खान यूनिवर्सिटी आ गई है तो वहाँ पर आप तरह से एक लिहाज से आप इसको जो है वो 18 कह सकते हैं। यहाँ पर इनका नाम दिए गए हैं। इसी तरह जो रिमेनिंग यहाँ पर सेकंड सीरीज के कॉलेजेस हैं उनके नाम भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी उनको यहाँ पर कितनी सीट्स मिली हुई है ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पंजाब या किसी भी और सिटी का चेक करना चाहे तो वो भी यहाँ पे आप सर्च आउट कर सकते हैं। देखिए अब अगर एडमिशन पॉलिसी के हवाले से मैं आपको शॉर्टली बताऊं कि आपने एडमिशन कैसे लेना है। ये जो मैंने आपको जो है वो 17 प्राइवेट कॉलेजेस का बोला है तो इसमें एक आपका नम्स का प्राइवेट कॉलेज है जो बेसिकली आपका सीएमएच लाहौर है और उसके अलावा आपके 16 या 17 आप कह लें कि बाकी रिमेनिंग प्राइवेट कॉलेजेस है। अब नम्स के जितने भी कॉलेजेस है अगर आपने वहां पे एडमिशन लेना होगा तो उसके लिए आपको सेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि जो नम्स का सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां पर जस्ट वन टाइम अप्लाई कर देना होगा। उसके बाद वहां पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होते हैं, इंडिविजुअली कॉलेजेस आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। नम्स वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आने वाली वीडियो में मजीद भी डिस्कस कर लेंगे लेकिन वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। अब यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं तमाम कॉलेजेस के लिए आपको इंडिविजुअली अलहदा अलहदा एक एक कॉलेज में जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद वहाँ पर जो है वो मेरिट वगैरह होता है। बाकी मेरिट के हवाले से मैं आपको कह चुका हूँ कि वहाँ पर जो है आपकी कैटेगरीज होती है, कुछ जो है उन्होंने वाकई ओपन मेरिट पे रखना होता है, उसके बाद जो है कुछ आपकी डोनेशन वगैरह की सीट्स आ जाती है, वो हर कॉलेज के हवाले से इंडिविजुअली एक अलग अलग स्टोरी है। अब जरा फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए लाहौर में अगर आप सीएमएच लाहौर के बाद टॉप के कॉलेज की बात करें तो वो आपका एफएमएच आ जाता है। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस की फीस है वो आपकी 20,39,000। अगर आप एफएमएच से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर 1,22,49,000 रुपीज होने चाहिए। इसमें आपका हॉस्टल और मैस इंक्लूड नहीं है। हॉस्टल मैच के यहाँ पे चार्जेस वगैरह दिए गए हैं। जो आपका बीबीएस का फीस स्ट्रक्चर है उसको भी ऑलमोस्ट आपके एमबीबीएस के साथ ही रखा गया है। कुछ उसमें जो है क्योंकि आप कह रहे हैं नंबर ऑफ ईयर कम है तो टोटल एक्सपेंसेस इस वजह से कम हो जाते हैं। नंबर टू पर जो आपका लाहौर का मेडिकल कॉलेज आता है वो यहाँ पर है आपका शरीफ मेडिकल कॉलेज। शरीफ मेडिकल कॉलेज का मेरिट काफी ज्यादा हाई होता है लेकिन फीस अभी तक इनकी काफी कम है। बाकी कॉलेज जिस तरह फीसें अपनी इंक्रीज कर रहे हैं उस तरह जो है वो शरीफ मेडिकल कॉलेज की जानिब से अपनी फीस इंक्रीज नहीं की गई और दुआ करें कि ये फीस जो है ऐसा रहे, ये भी अपडेट ना करें। फिलहाल जो इनकी फर्स्ट ईयर की आपकी 2023 के लिए फीस है वो ऑलमोस्ट आपकी 16 लाख बन रही है। टोटल यहाँ पर आपका जो एमबीबीएस है वो 87 लाख में जो है आपका कंप्लीट हो रहा है शरीफ मेडिकल कॉलेज से। डेफिनेटली इसमें हॉस्टल मेस के चार्जेस नहीं है, वो आपको अलग से पे करने होंगे। अब अगर सेंट्रल पार्क की बात कर लें, सेंट्रल पार्क में आपकी एमबीबीएस की जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो आपकी 22.5 लाख यानी कि 22.5 लाख आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है और कंप्लीट एमबीबीएस आपका यहाँ पर 1,28,63,000 पे हो रहा है। यानी कि ये जो पहले वाले दोनों कॉलेजेस थे उनसे काफी एक्सपेंसिव है आपका सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज। अब नंबर फोर पे हमारे सामने अजरा नईद मेडिकल कॉलेज आ जाता है। अजरा नईद के वाले से बात करें तो इनकी ट्यूशन फीस जो है वो 18.5 लाख है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी फी वगैरह ऐड करके जो है आपका ऑलमोस्ट 21 लाख के करीब बन जाता है। टोटल आपकी जो ट्यूशन फीस होगी उसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पर जो है वो 1,07,00,000 से करीब आ जाता है। अब जब यहाँ पे ये वाली यूनिवर्सिटी फीस जो आपकी ऑलमोस्ट 13 लाख बन रही है ऐड करेंगे तो आपका टोटल एमबीबीएस जो है वो जो है तकरीबन 12 मिलियन यानी कि 1,20,00,000 में जो है पड़ जाता है हॉस्टल मेस के अलावा। अजरा नईद के वाले से डेफिनेटली आपके फर्स्ट ईयर में कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस आएंगे। अब एडिशनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं आप रिपीट रहे हैं तो आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि एडिशनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर जो है वो आपकी फीस जो है वो ऑलमोस्ट 20 लाख बन रही है।
टोटल एमबीबीएस जो है वो आपका 11 मिलियन में ऑलमोस्ट, यानी कि आप कह रहे हैं कि 1,10,00,000 में जो है कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज से हो रहा है, कोई इतना टॉप का कॉलेज भी नहीं है लेकिन फी बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, और डेफिनेटली कॉन्टिनेंटल में भी अगर आप जाते हैं तो एडिशनल एक्सपेंसेस तो पे करने पड़ेंगे। अब एक लाहौर के टॉप मेडिकल कॉलेज के वाले से बात कर लेते हैं, एलएमडीसी लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, तो इनकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपकी 24 लाख बन रही है। टोटल अगर आपने यहाँ से एमबीबीएस करना है तो हॉस्टल मैथ को छोड़ के आपको यहाँ पर 1,34,00,000 के करीब 26,000 जो है आपको पे करना होगा। एमबीबीएस के हवाले से मेरिट इसका काफी ज्यादा हाई होता है शरीफ मेडिकल कॉलेज की तरह, यहाँ भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। देखिए आप मेरिट वाइज देखेंगे तो आपका एफएमएस शरीफ, उसके बाद आपका एलएमडीसी वगैरह इस तरह से जो है वो डाउनफॉल करते हैं, वो हम मेरिट वाली वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के वाले से। फिलहाल चूंकि हम लाहौर के वाले से बात कर रहे हैं तो इसका रावलपिंडी कैंपस इस वीडियो में डिस्कस नहीं होगा, रावलपिंडी कैंपस के वाले से अलग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी पहले कॉलेजेस आए थे उन सब मेडिकल कॉलेजेस को यहाँ पर जो है क्रॉस कर लिया है। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज ने 26 लाख आपकी फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस की फीस है। जी हाँ, आप सामने स्क्रीन पर देखें 26,26,32,177 जो है वो आपकी एमबीबीएस की फीस है, और टोटल जो आपका एमबीबीएस है वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो 1,28,00,000 में जो है कंप्लीट हो रहा है। एक्सपेंसिव के बारे से बात करते हैं, हो सकता है इससे भी कुछ एक्सपेंसिव कॉलेजेस यहाँ पर आपको मिल जाए। अब अगर एवेसिना मेडिकल कॉलेज के वाले से बात करें, अब एवेसिना में जो रेपुटेशन है कॉलेज की वो बेसिकली स्ट्रिक्टनेस के वाले से है कि कॉलेज में जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा बाउंड किया जाता है, पाबंदियां वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं। जो वहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये किसी जेल से कम नहीं है। उनकी फर्स्ट ईयर की फीस है वो ऑलमोस्ट 20.5 लाख है टोटल यहाँ पर हर साल की जो है इन्होंने दे दी है, लेकिन 5 ईयर की कलेक्टिंग फीस यहाँ पर मैंशन नहीं की गई। अगर आप इसको एडअप करेंगे तो आई थिंक ये आपका जो है वो 1,06,00,000 या 1,07,00,000 के करीब बन जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 11 मिलियन 1,10,00,000 तक अमाउंट रिक्वायर्ड हो सकती है यहाँ से एमबीबीएस करने के लिए। अब हमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के वाले से बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर की फीस जो है इनकी यहाँ पर 23 लाख है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में इसी तरह कांस्टेंट रहती है। टोटल आपका यहाँ से एमबीबीएस जो है वो आपका 1,15,00,000 में जो है हो रहा है, उसमें एडिशनल चार्जेस वगैरह ये इन्होंने कुछ रखे हुए हैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये एमबीबीएस 1,15,00,000 से इंक्रीज होकर 1 करोड़ तकरीबन 25 लाख तक जो है चले जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं आपके साथ यूसीएमडी यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मेडिकल कॉलेज है उसके वाले से बात करूँ, फर्स्ट ईयर की जो आपकी टोटल फीस है वो आपकी यहाँ पर ऑलमोस्ट 22 लाख बन रही है, और टोटल आपको यहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए 1,22,00,000 से करीब अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, बल्कि आप इसको डायरेक्ट 1,23,00,000 कह सकते हैं। अब काफी एक्सपेंसिव कॉलेजेस देख लिए तो उसके बाद जरा एक लो फी वाले कॉलेज की तरफ जाते हैं, और वो यहाँ पर है आपका अल अलीम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। तो अगर आप इसकी फर्स्ट ईयर की फीस देखेंगे तो 17 लाख है, यानी कि ये आपका ऑलमोस्ट शरीफ मेडिकल कॉलेज के क्लोज आ रहा है। 17 लाख के बाद टोटल एमबीबीएस के लिए यहाँ पर आपको 91 लाख रुपीज, बल्कि 92 लाख ही आप कह लेंगे क्योंकि 87,000 जो है यहाँ पर एडिशनल है, 92 लाख रुपीज आपको रिक्वायर्ड है अगर आप अल अली मेडिकल कॉलेज से जो है अपना एमबीबीएस कंप्लीट करना चाहते हैं। आप रेवर मेडिकल कॉलेज के वाले से बात करूं तो इनकी जानब से लास्ट ईयर का फीस सर्टिफिकेट दिया गया है। आप सिंपली कंपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इन्हीं मेडिकल कॉलेज के जिनकी मैंने स्टार्ट में मैंशन किया फीस सर्टिफिकेट इसी के अराउंड थे, 15 लाख 16 लाख 14 लाख 17 18 लाख वाज मैक्सिमम, लेकिन अब क्या चल रहा है वो आपने देख लिया क्योंकि अभी तक इनका जो है वो करंट फीस स्ट्रक्चर अपडेट नहीं किया गया, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा। अब अगर राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज के सेकंड कैंपस के वाले से बात करें, जिसको बेसिकली यहाँ पे राशिद लतीफ खान यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम इन्होंने एमबीबीएस एडमिशन स्टार्ट किए थे, ऑलमोस्ट उस टाइम इनकी जो फीस थी वो इन्होंने 24 लाख रखी थी, और 24 लाख फीस रखने के बाद वहां पर 24 लाख से करीब करीब जो है वो बच्चों से डिफरेंट जो है वो डोनेशन वगैरह चार्ज की गई थी, अपना उन्होंने एग्रीगेट वगैरह काफी लो लाए थे, बहुत एंड पे एडमिशन स्टार्ट हुए थे। इट मींस कि अगर 24 लाख फीस थी तो बच्चों को कहा गया था कि 24-25 लाख आपने ऊपर पे करना है, तो वहाँ जो बच्चे करंटली वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनको फर्स्ट ईयर के लिए 45 लाख 50 लाख तक जो है यहाँ पर पे करना पड़े। अभी तक ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया गया, लेकिन अनऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर जो हम तक आया है उसके अकॉर्डिंग अभी भी इनकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो आपकी 26 लाख है। देखिए अब जिन कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर पेंडिंग है उनके वाले से बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तमाम के तमाम कॉलेजेस टीएमडीसी की जानिब से ऑफिशियली बाउंड है कि फर्स्ट जून तक इन्होंने अपने फीस स्ट्रक्चर हर हाल में डिस्प्ले करने होते हैं।
बट पीएमटीसी को ये कितनी घास डाल रहा है, उसके रूल एंड रेगुलेशन को कितना मान रहा है, वो तो आपके सामने स्क्रीन पर है। किस तरह जो है वहां पर पहले इतनी ज्यादा फीसद होती है, फीसद के बाद डोनेशन वगैरह वो सारा कुछ चलता है। पीएमटीसी की डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू जो है वो रबर स्टंप से ज्यादा नहीं रही, वो अपने नोटिफिकेशन लगा देता है, कॉलेजेस कह देते हैं चले ठीक हो गया, गुड हो गया। खैर जो कॉलेजेस यहाँ पर पेंडिंग है उनमें आपका अमना आता है, शालीमार मेडिकल कॉलेज आ जाता है, आपका जो है पार्क रेड क्रिसेंट आ जाता है, राशि लतीफ का न्यू कैंपस आ जाता है, और उसके साथ साथ रेबर मेडिकल कॉलेज प्लस आपका सीएमएच लाहौर जैसा एक नाम का टॉप कॉलेज जो है अभी अपना फीस स्ट्रक्चर अपडेट नहीं कर रहा। ऐसे उनकी जानिब से अपने अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर आएंगे, काशिफ राइट की जानिब से आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब मैं अगर मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट चीप यानी कि जो सबसे सस्ता और सबसे महंगा कॉलेज है उसके हवाले से बात करें तो नो डाउट यहाँ पर आपका सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। उसके पीछे क्या रीजन है, पोलिटिकली ऐसा है, आई डोंट नो, बट फीस इनकी अभी तक के अकॉर्डिंग सबसे कम है, 16,32,000 जो आपसे चार्ज कर रहे हैं, 87 लाख में आपको एमबीबीएस कंप्लीट करवा रहे हैं। और उसके बाद अगर दूसरा सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज के वाले से बात करें तो अभी तक के फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अल अलीम मेडिकल कॉलेज आ जाता है, जिसकी फीस जो है वो 17 लाख के करीब है, 91 लाख में जो है वो आपका एमबीबीएस हो रहा है। और अगर मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे महंगे कॉलेज के वाले से बात करें जो लाहौर में इस टाइम आपके लिए अवेलेबल है तो वो आपका अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज आ जाता है, ऑलमोस्ट आपसे जो है 26,32,000 एमबीबीएस की फीस फर्स्ट ईयर के लिए चार्ज हो रही है। और अगर इसके बाद बात करें तो जो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया था राशि लतीफ खान यूनिवर्सिटी के वाले से, वो भी आपसे जो है 26 लाख से करीब जो है एमबीबीएस की फीस चार्ज करेंगे। इतना यहाँ पर ये दोनों और पार्टिकुलर अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है वो आपके मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेजेस में जो है वो काउंट होता है। अगर आप पंजाब के मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज के वाले से बात करेंगे तो वो नो डाउट आपका अबवा मेडिकल कॉलेज है, फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो 28 लाख है, और आपको जो एमबीबीएस है वो वहां पर 16 मिलियन यानी कि 1,60,00,000 में वहां से आपका एमबीबीएस हो रहा है। आई होप फीस स्ट्रक्चर के वाले से जितनी आपकी कंफ्यूजन थी वो तमाम कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। वीडियो में मेरिट वगैरह के वाले से बाकी कॉलेज के वाले से बात करेंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछे, प्राइवेट कॉलेज के वाले से कंसल्टेंसी चाहिए सामने स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपना ओपिनियन के क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अपना फीस स्ट्रक्चर कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, आपके अकॉर्डिंग आइडियल फीस कितनी हो सकती है वो अपने कमेंट में बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।